नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो भैया? आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ MPL फ्रूट डार्ट ट्रिक के बारे में। दोस्तों यार, जो आज मैं ट्रिक बताऊंगा वो ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो मैंने अभी तक नहीं बताई। अब ऐसी क्यों बताऊंगा? क्योंकि वो मैंने अभी तक नहीं बताई, इसलिए बताऊंगा। और हाँ भैया, मैं पहले ही आपसे बता देता हूँ, अगर आप MPL फ्रूट डार्ट में अच्छे खेलते हो, मतलब 4, 5, 6, 7 हज़ार तक अल आ जा तेरी कसर थी पागल, देखते हैं किस्मत आज मान लेते हैं भैया। 4 टोकन, वाह क्या बात है भाई, 4 टोकन, चलो ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, अगर आप MPL फ्रूट डार्ट में अच्छा स्कोर कर लेते हो, जैसे 4, 5, 6, 7, 7.5 हज़ार तक कर लेते हो, तो इस वीडियो को देखकर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। इसमें फिर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो वीडियो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ ये वाली, वो बिल्कुल ऐसे प्लेयर्स को है जो बिल्कुल बेसिक इसका समझना चाहते हैं, तो वही बेसिक ही आपको क्लियर करूंगा। और हाँ एक बात जरूर कह देता हूँ, अगर आप देखना चाह रहे हो तो देख भी सकते हैं, क्योंकि जब तक लोगों को बेसिक क्लियर नहीं होता ना, तब तक आप कुछ हाईएस्ट स्कोर किसी भी गेम में हो, फ्रूट डार्ट से मतलब नहीं, किसी भी गेम में हो, आप बिल्कुल भी हाईएस्ट स्कोर उसमें कर ही नहीं सकते। तो अगर आप देखना चाह रहे हो तो देख लीजिए, और अगर आप अच्छा खेलते हैं तो बिल्कुल देख कर अपना टाइम वेस्ट ना करें, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तो बस अपना ज्ञान अपन चालू करते हैं बिना बताए। तो दोस्तों यार, सबसे पहले हम बात करते हैं बॉम्ब के बारे में, कि इसमें बॉम्ब किस टाइम पर आते हैं। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन हो सकता है काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी ना हो। आप भी मत सोचना है कि ये बात तो जो बता रहा है वो हमको सब कुछ पता है, लेकिन आपको इस वीडियो में आगे आपको वो बातें भी सुनने को मिलेंगी जो आपको अभी तक फ्रूट डार्ट गेम के बारे में नहीं पता थी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि MPL फ्रूट डार्ट में हमें 3 मिनट्स आपको देखने को इसमें मिल जाते हैं। तो आपको जो गेम खेलना है पूरी यार रणनीति की तरीके से खेलना है, मतलब जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो तीनों मिनट हैं, वो तीनों मिनट को यार अलग अलग तरीके से खेलना है। देखिए, जो पहला हमारा मिलेट आएगा उसमें आपको बॉम्ब देखने को मिलेंगे, पूरे 8 बॉम्ब आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और इसमें जो 8 बॉम्ब आएंगे ना, उसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं होगा, मतलब उस पूरे मिनट को खेल लेंगे। 3 मिनट से लेकर 2 मिनट का जो 1 मिनट का टाइम होगा ना, वो पूरा मिलेट उस 8 बॉम्ब में निकल जाएगा। तो यार उस मिलेट पूरा बॉम्ब से घिरा हुआ रहता है। अब बात करते हैं यार, जो दूसरा मिनट रहता है यानी 2 मिनट से लेकर 1 मिनट का, मतलब जो 1 मिनट का टाइम रहता है ना, उसमें आपको टोटल 8 बॉम्ब देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको उसमें यार बिल्कुल ध्यान रखना है, उसमें जो बॉम्ब स्टार्ट होंगे वो होंगे 1 मिनट 55 सेकंड से लेकर 1 मिनट 35 सेकंड, यानी कि टोटल आपको 20 सेकंड के अंदर वो 8 बॉम्ब निकल जाएंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सेकंड मिनट में आपको 8 बॉम्ब देखने को मिलेंगे वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 मिनट 54 सेकंड या 55 सेकंड से स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आपके 8 के 8 बॉम्ब हैं, 1 मिनट 35 सेकंड तक पूरे 8 के 8 बॉम्ब निकल जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं यार, आपको टोटल 20 सेकंड ही थोड़ा इसमें संभल कर खेलना है। और जैसे ही 1 मिनट 35 सेकंड तक 8 बॉम्ब निकल जाते हैं, उसके बाद तो आपको हवाई फायरिंग कर देनी है। लेकिन मैं आपको अभी केवल बॉम्ब का फंडा बता रहा हूँ, उसके बाद खेलना कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं यार थर्ड मिनट के बारे में। जो थर्ड मिनट होता है उसमें भी आपको सेम यही तरीका है, लेकिन उसमें आपको 10 बॉम्ब देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, फर्स्ट मिनट में 8, सेकंड में भी 8, और जो थर्ड मिनट होता है उसमें आपको 10 बॉम्ब देखने को मिलेंगे, लेकिन बॉम्ब का टाइमिंग भाई सेम। जब 55 सेकंड बचेंगे तब से लेके आपके बॉम्ब स्टार्ट आना होंगे, और जब टोटल आपके 35 सेकंड अकेले गेम में शेष बचेंगे तब वो 10 के 10 बॉम्ब निकल जाएंगे। तो आपको थर्ड मिनट में भी टोटल आपको 35 सेकंड मिल जाते हैं, जिसमें आपको हवाई फायरिंग करने का मौका मिलेगा। तो अब बात करते हैं यार आपको खेलना किस तरीके से, वो मैं आपको पहले स्क्रीनशॉट्स के जरिए बता देता हूँ, फिर मैं आपको गेम प्ले करके भी बताऊंगा। तो भैया सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट से थोड़ा समझा देता हूँ किस तरीके से खेलना है। दोस्तों आपको इस स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा कि यार एक फ्रूट यहाँ पे, एक फ्रूट यहाँ पे, अगर मैं सिंपल इस तरीके से टैप कर दूँ तो अकेला एक फ्रूट कटेगा, और फिर दोबारा टैप करूंगा तो एक कट जाएगा। लेकिन आपको अब क्या करना है कि एक साथ इधर इधर इस तरीके से टैप कर देना, इधर इधर, तो जिससे क्या होगा, दोनों फ्रूट्स एक साथ में कट जाएंगे और आपको एक कॉम्बो तैयार हो जाएगा दो का, और जिसका आपका 12 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको खेलना है। अब बात करते हैं यार दूसरा, मतलब किस तरीके, क्योंकि आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ यार, इसी तरीके से अगर आप खेलोगे तो आदत पड़ेगी, तभी आपका हाईएस्ट स्कोर बनेगा। ऐसा नहीं कि मतलब आपको एकदम बन जाए, सब कुछ आपको ध्यान में, एक एक चीज़ बारीकी से ध्यान में रखना होगा। तो यार देखिए, अभी आपको यहाँ पर एक छुरी देखने को मिल जाती है, इसमें 4 छुरियाँ होती हैं जो कि इधर उधर भागती रहती हैं। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अगर आप इधर बीच में चलाओगे तो केवल 2 कटेंगे, तो आपको क्या करना है, इधर इस साइड में चलाना है, यहाँ पर जस्ट अगर आप यहाँ पर चलाओगे तो ये 2 तो कटेंगे, साथ ही साथ अगर इस साइड से जो भी फ्रूट्स आ रहे होंगे वो भी कट जाएंगे, जिससे कि
आपका एक कोम्बो बन सकता है 7 का, तो इससे आपको 300 प्लस पॉइंट मिलते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। 7 का नहीं कटा तो यार 6 का कटेगा, लेकिन कुछ तो मिलेगा आपको, बिल्कुल बीच में नहीं चलाना है। जब भी इस तरह की छुरी आए तो आपको इस साइड या इस साइड चलाना है। अब जाहिर सी बात है इस तरीके से इधर से तो फ्रूट आ रहे हैं, तो आपको इस साइड ही चलाना सही रहेगा, तो आपको इस साइड चला देना है। अब यार काफी लोग यह कहते हैं कि जब ये छुरी हो तो आपको 2x नहीं लेना, ये बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है देखो, जब ये छुरी हो तो आपको 2x नहीं लेना, सही बात है, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें आपको टाइम मिलता है 10 सेकंड देखने को, आप देख सकते हैं कि लगभग इसमें 7-8 सेकंड तो निकल चुके हैं, और इसमें केवल आपको 2-3 सेकंड और बचे हैं। तो यार अगर इस टाइम पर अगर 2x आता है तो आपको मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए, क्योंकि यार इसमें तो टाइम ही नहीं बचा, और अगर इसमें आपको पूरा 10 सेकंड है और उस टाइम पर 2x आ जाए तो आपको उस टाइम पर 2x नहीं लेना है, तब इसी के साथ आपको जाना है। तो अब बात करते हैं तीसरा तरीका। तीसरा, इधर भाई साहब आपको प्रोटेक्टर देखने को मिल जाता है, अगर आप इसको ले लेते हो और उस टाइम पर अगर आपने बॉम्बर भी छुरी आपने अगर बॉम्ब से भी टच कर दी तो आप बच जाओगे, तो आपको प्रोटेक्टर लेना है। वैसे तो आपको नॉर्मल लेना ही है, लेकिन आपको ज़्यादातर कब लेना है, ज़्यादातर आता भी तभी है जब यार देखो जैसे 1 मिनट 58 सेकंड 55 सेकंड बचा है तभी आता है, या फिर टोटल 55 57 58 सेकंड बचे हैं तब आता है। क्यों आता है, क्योंकि यार उसके बाद ही तो आपको बॉम्ब देखने को मिलते हैं। 1 मिनट 58 सेकंड 1 मिनट 55 सेकंड या फिर टोटल 55 सेकंड बचते हैं, तो उसके बाद ही आपको बॉम्ब आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो उस टाइम पर आपको इसको जरूर से जरूर लेना है यार, ताकि ये आप बॉम्ब में अगर गलती से टच हो भी जाओ तो आप बच जाओ। तो अब बात करते हैं यार अगली की चीज़ में। भाई साहब कुछ लो या ना लो, इसे जरूर लो, इस मोटी को, क्योंकि इस मोटी को लेने का यार बहुत ज़्यादा फायदा है। देखो बिना कॉम्बो के कॉम्बो बनाती है मोटी, क्योंकि देखो ये अगर आप पतली छुरी से खेलते हो नॉर्मली जैसे रहती है वो तो रहती है, लेकिन आप यार इसे लेते हो तो देखो क्या होगा, ये काफ़ी मोटी है, तो यार इतनी जगह घेर के चलती है दो छुरियों के बराबर, ताकि अगर आप यहाँ इधर मारोगे ना तो ये फ्रूट तो कटेगा ही, इसको साथ में लपेट लेगी, तो इसका एक खास बात है ये, मतलब काफ़ी दूर दूर के फ्रूट्स को साथ में लपेट कर चलती है। तो इसको यार ले लेना है आपको, जब भी ये आए तो इसको जरूर से जरूर लेना है। तो चलिए अब हम गेम प्ले कर लेते हैं और गेम खेल के भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो चलिए हम गेम स्टार्ट कर लेते हैं बिना बताए। तो यार दोस्तों जो मेरा गेम हो चुका है वो हो चुका है स्टार्ट, सेकंड इसमें चलने लगे। तो अब आपको जो विशेष रूप से ध्यान रखना है वो यही है कि मैं थोड़ा इसका वॉइस कम कर लेता हूँ, बस यही है कि आपको यार बॉम्ब की काउंटिंग करते रहना है यार। फर्स्ट मिनट में आप जानते हो कि उसमें बॉम्ब का काउंटिंग करने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि पूरा मिनट में बॉम्ब आते हैं, जो कि टोटल 1 फर्स्ट निकल चुका है। अब वेट आपको थोड़ा याद रखना है यार, कॉम्बो हाँ 4 का कॉम्बो आया, बढ़िया। आपको कॉम्बो भी थोड़े बना बना कर खेलना है, साथ ही साथ आपको जो सिंगल डबल आते हैं उन पर भी ध्यान देना है। 4 का कॉम्बो फिर से काटा मैंने एक, तो यार जो आपको सिंगल डबल पर भी बिल्कुल ध्यान देते रहना है। तो हमारे बॉम्ब कितने हो चुके, 2 हो गए शायद, तो 3 आपको अब आपको विशेष से ध्यान देना है यार। अब आपको जितने कॉम्बो हो सके उतने कॉम्बो काटना है। हमारा तीसरा बॉम्ब निकल चुका है यार, देखो मैंने 7 का कॉम्बो काटा है, आपको देख सकते हैं 300 मेरा डायरेक्ट स्कोर इसमें बढ़ चुका है, तो बस 5 मेरे समथिंग से इसमें बॉम्ब हो चुके हैं हमारे, और जो मैं खेल रहा हूँ वो 6 बॉम्ब हो चुके हैं, 7 बॉम्ब हो चुके हैं। अब यार देखो 7 ही मिनट्स में आए, अब क्यों आए यार, मुझे लगता है ये एक बॉम्ब हमारा कुपोषण का शिकार हो गया। कभी कभी हो जाता है यार 7 या 8, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम इसमें 7-8 ही आते हैं, 2 बॉम्ब सेकेंड मिनट के निकल चुके हैं यार। तो इसमें आपको थोड़ा इस यही टाइम है जो 3 मिनट 3 बॉम्ब हो चुके हैं, 5-6 बॉम्ब हो चुके हैं, 6 बॉम्ब हो चुके हैं, अब 2 और आएंगे, 2 बॉम्ब निकल चुके। अब इसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ इसके बाद आपको कोई बॉम्ब देखने को नहीं। ये देखिए 6 का कॉम्बो मैंने दोबारा काटा, 7 का काटा है, आपको 300 दड़ा मेरा स्कोर बढ़ा। तो बस यही आपको बस 1 मिनट 55 सेकंड से 1 मिनट लेके 35 सेकंड तक ही इसमें 8 बॉम्ब निकल जाते हैं, तो उसी टाइम पर आपको थोड़ा इसमें संभल कर खेलना है। तो देखिए मेरा स्कोर काफ़ी अच्छे से ठीक ठाक बन रहा है अभी, केवल आपको समझा रहा हूँ मैं यार, नहीं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे मैं नहीं चाहता कि अगर आप मुझे मतलब अगर आप मैं आउट हूँ और फिर आप मुझे बाद में गालियाँ, तो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको नॉर्मल तरीके से खेल के बता रहा हूँ। तो कि 2 का कॉम्बो 3 का कॉम्बो काटा, 2 का काटा, तो कॉम्बो मैक्सिमम टाइम कॉम्बो देखे सिंगल फूट, देखो 4 का काटा, 5 का काटा, फिर 3 का काटा, 3 का काटा, और फिर अब आपको ध्यान देना यार बॉम्ब आने वाले हैं, अब मैं बता रहा हूँ। देखिए अब फिर से बॉम्ब आएंगे, 1 2 3 तीन बॉम्ब आ चुके, 4 5 हो चुके, अब हमारे बॉम्ब 6 7 8 हो चुके, अब 2 और आने वाले हैं, तो मैंने प्रोटेक्टर ले लिया है वैसे, हाँ हो चुके 10। अब आपको जो करना है वो करना, हवाई फायरिंग जैसे भी आपको हो सके वैसे आपको करते रहना, आप कॉम्बो पर ध्यान देना यार आपको, क्योंकि अब कुछ भी बॉम्ब का कोई भी डर इसमें नहीं बचा, तो बस आपको 2x या फिर जो छुरी आती है वो कुछ भी आपको जो अच्छा लगे वो आपको इसमें ले लेना है। अब आपको स्कोर पर ध्यान देना है, तो मैंने ये छुरी ले ली है,
आप जितने कॉम्बो बने उतने कॉम्बो बनाने। तो एक ही तीन का कॉम्बो बनाए, 2x मैंने छोड़ दिया, तो सही भी किया वैसे, 2x मैंने छोड़ा, तो अब मैंने 2x ले लिया क्योंकि अभी प्रोटेक्टर तब जिसकी कोई हमें अभी जरूरत नहीं थी। केवल 9 सेकंड बचे हैं, देखते हैं कितना स्कोर हो सकता है। कॉम्बो आते हैं फिर नहीं आते, अगर कॉम्बो आते हैं तो यार अच्छा हो जाएगा, लेकिन अब लास्ट टाइम पर मुझे लगता है कॉम्बो नहीं आएंगे। तो यार देखो हमारा जो स्कोर हुआ है 3200, अब रैंक वैंक निकाल के टाइम खराब करेंगे नहीं, क्योंकि हमें 3200 स्कोर बनाने के बाद वर्ल्ड कप तो जीतने वाले हैं। तो यार दोस्तों इस गेम के अंदर जो भी बेसिक था, जैसे कि बॉम्ब किस टाइम पर आने, मतलब 3 मिनट्स के बॉम्ब मैंने इसमें फिक्स कर दी किस टाइम पर आने वाले हैं, और जो भी आपको इसमें औजार देखने को मिलते थे जैसे छुरी वगैरह, जो आपको प्रोटेक्टर लेना है या फिर नहीं लेना है, किस टाइम पर लेना है, 2x किस टाइम पर लेना है, जब वो छुरी हो जिसमें 3-4 छुरियाँ होती हैं तब, जब उसके टाइम पर 2x लेना है या फिर नहीं लेना है, जो भी मतलब इसमें बेसिक नॉलेज थी वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और हाँ ये बात भी है कि यार इस तरीके से मतलब केवल देखने से तो कुछ होगा नहीं, अब यार आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं बता देता हूँ यार, जो 5-6-7 हज़ार तक स्कोर करते हैं वो ऐसे ही नहीं करते, उनको एक एक साल इस गेम के अंदर हो चुका है, उनको एक एक चीज़ पॉइंट पॉइंट पर याद हो चुकी है यार अब अंक क्या होने वाला है। तो बस आपकी प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है यार, उनको तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। अब आपको यार जो भी बेसिक जानकारी जाननी थी वो तो मैंने आपको बता दिया, अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा ज़्यादा स्कोर इसमें करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा स्कोर इसमें होने वाला है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो भी चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपको पसंद आ जाए। और मन में अभी भी किसी प्रकार की अटर कटर शटर चोटर पुटर मोटर जो भी बातें हो कमेंट सेक्शन में छाप देना।